अस्सलाम वालेकुम उज़मा इसहाक़, माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज हम उठे थे, जल्दी उठ गए थे, तो नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे ना नाश्ता वगैरह शेयर करूं, हेल्दी नाश्ता और ड्रिंक भी हेल्दी। जो अगर कोई डाइट वगैरह कर रहा है तो ड्रिंक पिए तो उसके लिए ठीक है। और ये अब मैं बताने लगी हूँ आपको, ये देखें, ये मैंने ना ये देखिए मैंने लिया एक बोल, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अंडे बनाने लगी हूँ ना मैं, अंडा ये ब्लैक पेपर जाएगी 1 टीस्पून, और 2 अंडे, और इसको मैं करूँगी मिक्स। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा देसी घी और साथ ही थोड़ा सा बटर बटर इसको गर्म होने का वेट करते हैं। अब मैं ये अंडा डाल दूंगी इसमें। बस ऐसे फैला दूंगी इसको। ये देखें इसका कुक होने का वेट करते हैं, थोड़ा सा नीचे से कुक हो जाए तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। बस ऐसे ज़रा इसको पीछे कर करके थोड़ा सा स्पेस दे के तो इसको कुक करते जाते हैं। जी ये देखें, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो चीज़ें जाएंगी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें बस इसको ऐसे ही कर करके सारा कुक करते ना, नीचे से तकरीबन कुक हो गया ये। अब इसके ऊपर जाएंगे टमाटर, ये देखिए इसके ऊपर ही डाल देने हैं आप। और हरी मिर्चें जाएंगी, हरी मिर्ची, और अब इसके ऊपर जाएगा ये धनिया थोड़ा सा, धनिया थोड़ा सा जाएगा। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूंगी, फिर बाद में चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ, फिर बाद में चीज़ डालूंगी। ये देखें थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ, फिर आपसे उतनी देर में हम उधर ना तवा मैंने रखा है गरम करना, तो उधर मैं ब्रेड वगैरह ना कर लेती हूँ। थोड़ा सा बटर और ये दो तो ब्रेड के स्लाइस गरम करूँगी, इतनी देर में गरम करती हूँ, और साथ ही मचाए भी बना लूँगी। ये देखो इसका गर्म होने का वेट करते हैं। ये देखिए अब ये कुक होना शुरू हो गया। अब इसके ऊपर मैं ये चिली फ्लेक्स, रेड मिर्चें जो होती हैं वो हल्की हल्की सी डाल दूँ, थोड़ी सी। चलें जी, और अब इसके ऊपर मैं चीज़ डालूँगी। ये देखिए पीस करके मैं डालने लगी हूँ सारे। ये बड़े मज़े का अंडा, बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी भी है। आप नाश्ते का टाइम बनाएं इसको, ब्रेकफास्ट बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर दोबारा से इसको ढक दूँगी 5 मिनट, उधर से तो वो ब्रेड भी मारी हो गई है। ये देखिए बस हल्की सी लाइट करनी है ब्राउन। क्योंकि मैं एक ग्लास बनाने लगी हूँ अपने लिए, एक या 2 ग्लास के करीब करीब
इसमें जाएंगे बादाम, ये देखिए भिगो के मैंने इनका छिलका उतार लिया था, और ये बड़ा हेल्दी ड्रिंक है, आप पी सकते हैं। अगर आपने चीनी नहीं डालनी तो ना डालें, और अगर डालनी, अगर डाइट पे हैं तो ना डालें फिर। चीनी 1 टेबल स्पून, और ये स्ट्रॉबेरी 3-4 हरी खजूर है मैंने भिगो के रखी थी पानी में 3-4, तो उसके बाद भिगो के तो फिर ये नरम हो गई हैं, अब ये भी इसमें जाएंगे। और हो गया ना हेल्दी ड्रिंक, देखें कितनी चीज़ें जा रही हैं इसमें। ये पिसते हैं 5-7। आई है इसकी, आए आप भी खा लें। और साथ मैंने 2 ब्रेड बना लिए अपने लिए, और साथ ये जूस, एक आपके लिए ग्लास और एक मेरे लिए, अपने लिए ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था ये। ये लें जी, ये आपके लिए है, और ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है, आप भी बनाएं, बच्चों को बना के दें नाश्ते पे जब वो स्कूल जाते हैं, स्कूल तो बच्चे जा रहे हैं अब। साथ ही मैंने चाय रखी हुई है, ये देखिए, साथ ही इलायची डाली है 2-3, और थोड़ी सी सौंफ और पत्ती, और साथ मैंने बस इसका बॉयल आएगा तो मैं इसमें 2 डालूंगी, अभी बॉयल नहीं आ रहा। 2-3 चाय को ना ज़्यादा कुक नहीं करते, बस 2-3 बॉयल आ जाए तो फिर इसमें 2 डालें, और बाद में मैं गुड़ डालने लगी हूँ इतना सा। चलें जी, अब इसको बॉयल आने देते हैं। ये बॉयल आता है तो फिर इसको ना ऐसे थोड़ी देर फेंटे तो चाय का टेस्ट और बढ़ जाता है। ये लें देखिए, ऐसे 2-3 दफा करें थोड़ी देर तो बहुत अच्छी चाय बनती है। ये देखिए आपकी चाय का कलर ऐसे आता है, बताना ज़रूर फीडबैक। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। चलें जी, अब एक तो बॉयल आता है तो फिर। ये देखें जी, ये चाय देखिए हमारी तैयार है, अब मैं डालने लगी हूँ। ये देखें, चलें जी, चाय भी हमारी रेडी है, हमारा तैयार है, चाय भी और ये हेल्दी ड्रिंक भी और नाश्ता सारा ब्रेकफास्ट। फीडबैक ज़रूर देना कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। चलें जी, ये देखें हेल्दी ड्रिंक, चाय और ये एग हेल्दी और ब्रेड सब कुछ रेडी है, जिसने डाइट पे जाना है तो वो भी ये खा सकता है, चीज़ ना डालें, और ऐसे ही ज़रा लाइट सी चाय रख लें, और ड्रिंक तो बहुत हेल्दी है, बच्चों को बना के दें। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ इंशाल्लाह, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना आप, तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।